हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बात है 70s की। एक एक्टर, स्ट्रगलर, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग का कोर्स करने के बाद ये एक्टर बंबई आया स्ट्रगल करने के लिए। उससे छोटे मोटे काम मिल गए। अच्छा एक्टर था, उसमें काफी एनर्जी थी, काफी जोश था। और फिर किसी ने उसे कहा, एक प्रोड्यूसर ने उसे कहा कि भाई तुम्हारे चेहरे पे बहुत सारे मुहांसे हैं, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मिटा दो ताकि तुम्हारा चेहरा और भी खूबसूरत लगे। एक बार इस एक्टर की मुलाकात हुई देव आनंद के साथ। देव साहब उस वक्त एक फिल्म कर रहे थे, गैम्बलर। जब ये एक्टर उनसे मिले तब देव साहब ने उससे कहा कि तुम अपने चेहरे के कोई भी निशान प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बिल्कुल मिटाना नहीं, तुम जैसे हो अच्छे हो, तुम्हारे चेहरे का एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की वजह से ही तुम आगे आओगे, तुम स्टार बनोगे। उस एक्टर ने देव साहब की बात मान ली, आगे जाकर वो एक्टर बहुत बड़ा स्टार बना। इस एक्टर का नाम शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा ने उसके बाद देव साहब के साथ गैम्बलर में और खिलौना में काम किया और उसके बाद बहुत बड़ा विलन बन गया, बहुत पॉपुलर हो गया और उसके बाद उसे स्टार बनने में टाइम नहीं लगा। दोस्तों, अगर आपको एक्टर बनना है तो क्या करना चाहिए? ये जरूरी नहीं कि आप हैंडसम हो, बहुत ही खूबसूरत हो, गोरे हो। आपके चेहरे में कोई ना कोई कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे नसरुद्दीन शाह, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा या आप शाहरुख खान। इनके चेहरों पर ध्यान दीजिए, इनमें एक कैरेक्टर है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो आपके चेहरे में होनी चाहिए। जहां कहीं भी जाएं आपको लोग इग्नोर न कर पाए, वो आपको दोबारा देखें, यानी आप में वो कशिश होनी चाहिए, वो कैरिश्मा होना चाहिए। दोस्तों, एक्टर कैसे बना जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बातें बहुत सारी करनी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अगर आप फिल्म एक्टर बनना चाहते हैं तो क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में कितनी फिल्में बनी, कौन सी फिल्में बनी, कौन सी क्लासिक्स हैं, हिंदी फिल्में हो या किसी भी लैंग्वेज की फिल्में हो। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो बहुत सारी फिल्में देखिए, पुरानी फिल्में देखिए। कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो पुरानी फिल्में नहीं देखते और आजकल की रिलीजेस के बारे में जानते हैं, लेकिन जो हमारे क्लासिक्स हैं उनके बारे में कुछ नहीं जानते। यानी फिल्म एजुकेशन, फिल्म के बारे में जानना, फिल्मों के बारे में जानना, फिल्मों के बारे में ये जानना कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे प्रोग्रेस करती गई, जब साइलेंट सिनेमा से टॉकी सिनेमा में आई तो कैसे शुरुआत हुई, कौन सी फिल्में बनी, कौन सी लैंडमार्क फिल्में हैं हमारे पास, और उन फिल्मों को देखिए, उन एक्टर्स को देखिए, कहानियों को देखिए, डायरेक्टर्स को देखिए, और एक्टर्स ने अपने किरदारों को कैसे निभाया, उन किरदारों को क्या क्या बारीकियां दी, क्या क्या न्यूएंसेस दिए, कौन सी फिल्में क्लासिक्स मानी जाती हैं, जैसे महबूब खान की मदर इंडिया है या रमेश सिप्पी की शोले है, गोल्डी विजयानंद और देवन की गाइड है, किशोर कुमार की चलती का नाम गाड़ी है, ये फिल्में आज भी लोग देखना क्यों पसंद करते हैं, या पड़ोसन, प्यार किए जा, महमूद की जो फिल्में हैं, या दिलीप साहब की फिल्में हैं, या राज कपूर की फिल्में हैं, आवारा, श्री 420, बॉबी, ये फिल्में आप देखिए। एक्टर्स अपने किरदार कैसे निभाते हैं, अपने कैरेक्टर्स पे किस तरह काम करते हैं, उनके कपड़े किस तरह के होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो अपनी डायलॉग डिलीवरी कैसे करते हैं, उनकी लैंग्वेज किस तरह की होती है, इन बातों पे गौर कीजिए। अपने आप को फिल्मों के बारे में एजुकेट करिए तो इससे एज एन एक्टर आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इससे आपके एक्टिंग में भी काफी गहराई आ जाएगी, आपके सोच में भी एक नयापन आ जाएगा, आपके पास कुछ रेफरेंस पॉइंट्स होंगे, कुछ संदर्भ होंगे। तो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपके फेस में एक कैरेक्टर होना चाहिए, आपके लुक पारंपरिक नहीं होनी चाहिए, कन्वेंशनल नहीं होनी चाहिए, और आपको अपने आप को फिल्म एजुकेशन देना होगा, अच्छी अच्छी फिल्में, पुरानी फिल्में देखनी होगी। बातें बहुत सारी करनी है कि एक्टर कैसे बना जाता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक बार अमिताभ बच्चन अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में, अपने संघर्ष के दिनों में एक बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर से मिलने गए, राजश्री प्रोडक्शन में ताराचंद बरजातिया से मिलने गए। ताराचंद बरजातिया ने उन्हें 4-5 घंटे ऑफिस के बाहर बिठा दिया।
अमिताभ बच्चन वहां पे इंतजार करते रहे। काफी देर बाद जब प्रोड्यूसर ने अमिताभ बच्चन को अंदर बुलाया और बात की, तब प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई तुम इतने लंबे चौड़े हो और न तुम्हारी शक्ल न सूरत, और तुम एक्टर बनना चाहते हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम वापस अपने गांव चले जाओ, वहां पे कोई नौकरी वोकरी करो, यहाँ पे तुम्हें कोई भविष्य नहीं है। इस तरह की जिल्लत के बावजूद अमिताभ बच्चन स्ट्रगलिंग करते रहे, उन्हें बहुत सारा काम मिला, उसके बाद उन्हें जंजीर मिली और दीवार मिली, उसको बहुत बड़े स्टार बन गए और आज हम उन्हें हिंदुस्तान का बेहतरीन एक्टर मानते हैं। दोस्तों, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको हर प्रोड्यूसर खुली बाहों से अपने ऑफिस में वेलकम करे। हो सकता है कि आपको जिल्लत का सामना करना पड़े, हो सकता है कि आपको कोई बुरा एक्टर कहे, कोई आपके साथ बदतमीजी करे, आपके साथ गलत ढंग से बर्ताव करे। ये इस प्रोफेशन का एक जरूरी हिस्सा समझकर आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आपकी एक शख्सियत हो, एक व्यक्तित्व हो, एक पर्सनालिटी हो जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, यानी आपकी शख्सियत में एक कशिश हो, कैरिज्मा हो, मैग्नेटिज्म हो। बातें बहुत सारी करनी है, हम बातें कर रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, क्या एक्टिंग इनबॉर्न टैलेंट है या सिखाई भी जा सकती है? हकीकत यह है दोस्तों कि एक्टिंग एक इनबॉर्न टैलेंट है, एक अभिजात गुण है। लेकिन फिर भी अगर आप एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, डांसिंग क्लासेस या ग्रूमिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो भले ही आपको एक्टिंग ना सिखाई जाए, लेकिन इन क्लासेस के जरिए आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि दोस्तों, फिल्म एक्टिंग खास तौर पे सिर्फ एक कला ही नहीं, एक टेक्निक भी है। फिल्म एक्टिंग इज नॉट ओनली एन आर्ट, इट्स आल्सो अ क्राफ्ट। यानी एक्टिंग न सिर्फ आर्ट है बल्कि एक क्राफ्ट भी है। अब आप पूछेंगे कि ये क्राफ्ट कैसे हुआ? दोस्तों, क्या होता है कि जब एक एक्टर कैमरा फेस करता है, एक खास एंगल पे कैमरा लगाया जाता है और एक्टर अपने डायलॉग उस कैमरा के सामने खड़े होकर कहता है। अब एक्टर को एक्टिंग पे ध्यान देना है, अपने एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना है, अपने डायलॉग्स पे भी ध्यान देना है, उनको नेचुरली एक्सप्रेस करना है। लेकिन एक फिल्म एक्टर को कैमरा भी फेस करना है, कैमरा का एंगल भी ध्यान में रखना है। कैमरामैन खास लाइटिंग करता है हर एक्टर के लिए, और उस एक्टर को पता होना चाहिए कि उसके लिए कौन से लाइट्स हैं। अगर दो एक्टर आमने सामने एक्टिंग कर रहे हैं तो दोनों एक्टर्स के लिए अलग अलग लाइट्स भी होते हैं, एक जनरल लाइटिंग भी किया जाता है। तो उस एक्टर को वो लाइट लेते हुए, उस लाइट का बीम लेते हुए, कैमरा एंगल को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई कैमरा मूवमेंट है, अपने फिजिकल मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए, अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान देते हुए, एक फिल्म एक्टर को इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपना काम अच्छी तरह निभाना है। इस वजह से फिल्म एक्टिंग न सिर्फ एक आर्ट है, कला है, बल्कि एक क्राफ्ट भी है। क्योंकि एक्टर को ध्यान रखना होता है कैमरा एंगल्स का, उस पे की गई लाइटिंग का, कैमरा मूवमेंट का, और डायरेक्टर के बताए मूवमेंट्स का, साथ साथ अपने एक्सप्रेशंस का, अपने जज्बातों का और डायलॉग डिलीवरी का। इस वजह से जब कोई एक्टर फिल्म एक्टिंग सीखने जाता है, डांसिंग सीखने जाता है, ग्रूमिंग क्लासेस जाता है, तो वहां पे उसे कैमरा फेस करने का तरीका समझ में आता है। डांसिंग से आपकी बॉडी और सपल हो जाती है, आपकी बॉडी और फ्लेक्सिबल हो जाती है। भले ही आपको एक्टिंग क्लासेस, डांसिंग क्लासेस और ग्रूमिंग क्लासेस और कुछ ना सिखाएं, आपको कॉन्फिडेंस तो जरूर दे सकते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक्टर बनने के लिए फेस मोबिलिटी यानी चेहरे पे एक्सप्रेशंस, हाव भाव, फिल्म एजुकेशन, पर्सनालिटी
डांसिंग क्लासेस, एक्टिंग क्लासेस और ग्रूमिंग क्लासेस के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी आपकी देह बोली भी बेहतरीन चाहिए, बहुत एक्सप्रेसिव चाहिए। जब आप किसी से हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो हैंडशेक से ही आपको उस शख्स के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। कई लोग जब हाथ मिलाते हैं तो ढीले ढाले हाथ मिलाते हैं, हाथ को सिर्फ छू लेते हैं, वो हैंडशेक नहीं होता। दोस्तों, आपको जेम्स बॉन्ड की फिल्में क्यों अच्छी लगती हैं? पहले जेम्स बॉन्ड थे शॉन कॉनरी, अब जो जेम्स बॉन्ड की फिल्में बनती हैं उसके जेम्स बॉन्ड बनते हैं डैनियल क्रेग। जेम्स बॉन्ड बेसिकली अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए बहुत कुछ एक्सप्रेस करता है। जो भी एक्टर जेम्स बॉन्ड के जबरदस्त कैरेक्टर को निभाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत कुछ दर्शाती है। इसीलिए जब नए एक्टर को लिया जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत गौर से देखा जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है, आप कैसे खड़े हो जाते हैं, आप बात करते समय कैसे और कहां देखते हैं, आप किसी की बात गौर से सुनते हैं या आपका ध्यान कहीं और है, आप जब नाखून काटते हैं बात करते समय तो आपकी एंग्जायटी का पता चलता है। यानी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता जाती है और एक एक्टर के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी अहमियत रखती है। आप कई बातें बिना डायलॉग्स के भी कह सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए। एक एक्टर के लिए उसकी डायलॉग डिलीवरी, चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज बहुत अहमियत रखते हैं। आप कैसे खड़े होते हैं, किस यकीन के साथ, किस कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं और वॉक करते हैं, इससे आपके शख्सियत का, आपके करिश्मेटिक आउटलुक का पता चलता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अगर आपको एक्टर बनना है तो आपका चेहरा एक्सप्रेसिव होना चाहिए, यानी आपके चेहरे पे होनी चाहिए मोबिलिटी, हाव भाव। फिल्म एजुकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, आप बहुत सारी फिल्में देखिए नई पुरानी। आपकी शख्सियत अच्छी हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, उसके बाद आप डांस क्लासेस करिए, एक्टिंग क्लासेस करिए, ग्रूमिंग क्लासेस भी अटेंड करिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए बहुत कुछ एक्सप्रेस कर जाते हैं और उसके बाद आपका कैमरा फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार जब कोई आपका फोटो निकालता है तो आप टेंस हो जाते हैं, आपका चेहरा स्टिफ हो जाता है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस उड़ जाते हैं। जैसे ही कोई वीडियो कैमरा शुरू करता है तो कई लोग इस तरह रिजिड हो जाते हैं और कॉन्शियस हो जाते हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि एक एक्टर के लिए कैमरा फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। कैमरा जैसी ऑन हो जाए तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी बेहतर हो जाएं, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं कैमरा फेस करने के लिए। इसी को कहते हैं बीइंग कैमरा फ्रेंडली। और दूसरी बात दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि अगर कोई इंसान बिल्कुल गोरा है और बहुत अच्छे फीचर्स हैं और बहुत हैंडसम लगता है या वो महिला बहुत खूबसूरत लगती हैं, कैमरा पे भी या स्क्रीन पे भी उतनी ही खूबसूरत लगे। कई बार आपके चेहरे के ऐसे नुक्स, ऐसे दोष हैं जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे। मान लीजिए आपके चेहरे पे एक मोल है, वो मोल या कोई निशान आपके चेहरे को एक कैरेक्टर देता है, आपको और खूबसूरत या हैंडसम बना देता है। जस्ट बिकॉज कोई बहुत गोरा है और उसके फीचर्स बहुत शार्प हैं और सब 100% ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कैमरा फ्रेंडली हो या स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छा लगे। ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्हें शायद एक्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ना मिले, लेकिन क्योंकि उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत आकर्षक होता है, इस वजह से लोग उनको देखना पसंद करते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक कामयाब एक्टर बनने के लिए आपके पास होना चाहिए एक मोबाइल फेस, यानी आपके चेहरे पे बहुत सारे हाव भाव बड़ी आसानी से आ जाएं। एक एक्सप्रेसिव चेहरा चाहिए आपको।
साथ साथ आप पुरानी और नई फिल्मों के बारे में अच्छी जानकारी रखें। आपको इन फिल्मों के बारे में बहुत कुछ मालूम होना चाहिए, उनके मेकिंग के बारे में, उनके एक्टर्स के बारे में, उनके डायरेक्टर्स के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए एक पर्सनालिटी, एक शख्सियत जिसे देखकर लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। डांसिंग क्लासेस, एक्टिंग क्लासेस और ग्रूमिंग क्लासेस अपने आप में बहुत अहमियत रखते हैं। और दोस्तों, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए बिना डायलॉग्स के, बिना लफ्जों के बहुत कुछ एक्सप्रेस करते हैं। और जाहिर है, अगर आपको एक कामयाब एक्टर बनना है तो आपका कैमरा फ्रेंडली होना भी बहुत जरूरी है। यानी जब आप कैमरा फेस करें तो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, आप स्टिफ ना हो जाएं। आपको कैमरा फेस करना एक प्लेजर महसूस होना चाहिए। इन बातों के अलावा आप में होना चाहिए टैलेंट, प्रतिभा। दोस्तों, तीन तरह के मूवी सेलिब्रिटीज होते हैं। एक वो जिनमें होता है स्टार पावर, यानी स्टार बनने की जबरदस्त क्षमता। वो स्टारडम हासिल करते हैं अपने कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के दम पे। उनमें टैलेंट हो ना हो, लेकिन उनमें करिश्मा बहुत जबरदस्त होता है। कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के दम पे वो स्टार बन जाते हैं, स्टारडम हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कैटरीना कैफ को देखें तो उसकी शख्सियत में जबरदस्त करिश्मा है। वो अपने कैरिस्मेटिक शख्सियत के बल बूते पे बहुत बड़ी स्टार बन गई है। एक किस्म के मूवी सेलिब्रिटीज वो होते हैं जिनमें होता है स्टार पावर। दूसरे वो एक्टर्स होते हैं जिन्हें जबरदस्त रोल्स मिलते हैं, लेकिन बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद वो कैरेक्टर रोल्स में फंस जाते हैं। इन्हें बहुत शोहरत मिलती है, उनकी बहुत इज्जत होती है, लेकिन वो शायद ही स्टार बन जाएं। आई डोंट नो अगर आप मुझसे एग्री होंगे, लेकिन मिसाल के तौर पे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जबरदस्त एक्टर्स होने के बावजूद ये महान अभिनेता कभी स्टार नहीं हो पाए। और तीसरी कैटेगरी है स्टार एक्टर्स की। इनमें स्टार बनने के सारे गुण होते हैं। इनमें टैलेंट होता है एक जबरदस्त एक्टर बनने का, और इनमें लेजेंड बनने के भी सारे गुण मौजूद होते हैं। मसलन अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, इससे पहले दिलीप कुमार, काजोल, करीना कपूर, ये सभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस स्टार एक्टर्स हैं। लाखों करोड़ों में एक आधी कोई स्टार एक्टर बन जाता है, जैसे अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, काजोल, दिलीप कुमार। दोस्तों, एक सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए किन गुणों की जरूरत होती है, इस पे बातें करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अगर आपको कामयाब एक्टर बनना है तो आपको हमेशा अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी एक अलग शख्सियत बनाए रखना है। बी योर सेल्फ एंड बी अ प्रोफेशनल। दोस्तों, ऋतिक रोशन के टैलेंट और डांसिंग एबिलिटी और उसकी फिजिकल पर्सनालिटी के अलावा उसकी सिंसियरिटी, उसकी कमिटमेंट को बहुत सराहा जाता है। एक सच्चा स्टार अपने आप को, अपनी खूबियों को, अपनी खामियों को कभी छुपाता नहीं, और कभी कभी वो अपने आप पे भी हंस लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी और की कॉपी न करें। आप में जो भी टैलेंट है, जो भी स्टाइल है, जो भी अंदाज है, वो सब अपना ही हो। इस बात के सबसे बड़े मिसाल हिंदुस्तान में है देव साहबन शम्मी कपूर। देवानंद ने अपनी एक खास स्टाइल पैदा की एक्टिंग करते करते, जैसे वो फिल्में करते गए। शम्मी कपूर जब फिल्मों में आए तो उनकी पहली 5-6 फिल्में फ्लॉप हो गई, क्योंकि वो पृथ्वी थिएटर में काम करते थे और फिल्म के डायलॉग्स भी नाटकों में जैसे डायलॉग बोले जाते हैं वैसे बोलते थे। और फिर एक फिल्म आई तुमसा नहीं देखा, और उन्होंने अपने अंदाज को बदला, अपने आप को नेचुरल रखा। उनकी जो एक नेचुरल स्टाइल थी, नेचुरल बोलने का अंदाज था, उन्होंने वही अपनाया और फिर वो बहुत बड़े स्टार बन गए। और शम्मी कपूर की स्टाइल या देव आनंद की स्टाइल अपने आप में आज भी बहुत सराही जाती है, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है। दरअसल
देव आनंद को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टार माना जाता है। बी योर सेल्फ एंड बी ए प्रोफेशनल। आज भी जब अमिताभ बच्चन साहब शूटिंग पे 10 मिनट भी लेट होते हैं तो पहले प्रोड्यूसर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो 10 मिनट लेट आएंगे। इसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म और समय की कदर। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक कामयाब एक्टर होने के लिए लक कितनी जरूरी है दोस्तों, और साथ साथ क्या ये जरूरी है कि अगर आपको कामयाब एक्टर बनना है तो आपका कोई गॉड फादर हो या आप किसी फिल्म फैमिली से बिलोंग करें। दोस्तों, ये सही है कि बहुत सारे एक्टर्स स्टार सन्स फिल्म इंडस्ट्री में आ गए जो फिल्म फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसे सनी देओल, करीना कपूर, करिश्मा कपूर। और दोस्तों, आप ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को जानते हैं जिन्होंने बिना किसी फिल्म फैमिली के ताल्लुक के फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारा नाम कमाया है, जैसे कि शाहरुख खान, अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा। ये एक्टर स्टार्स अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट के दम पे फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो गए हैं। आप टिक पाएंगे जब आप में टैलेंट होगा, आप में दम होगा। एक और बात दोस्तों, कई टैलेंटेड लोग होते हैं जो गलत समय पे गलत लोगों से गलत जगह पे मिलते हैं, और कई लोग जो लकी होते हैं वो सही समय पे सही लोगों से सही वक्त पे और सही जगह पे मिलते हैं। राइट पीपल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, ये एक लक का हिस्सा है या इत्तेफाक का, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। दोस्तों, मेरा मानना बड़ा सिंपल है दोस्तों, अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होना है एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर या किसी भी कैपेसिटी में, तो आपको चाहिए 10% टैलेंट, 10% हार्डवर्क और 80% लक, यानी 80% किस्मत। दोस्तों, एक जमाना था जब और कोई जरिया नहीं था प्रोड्यूसर्स तक पहुंचने का, लेकिन अब प्रोड्यूसर्स की नजर में आने के लिए बहुत सारे और मीडिया शुरू हो गए। आजकल प्रोड्यूसर्स टेलीविजन शोज पे, टेलीविजन सीरियल्स पे, म्यूजिक वीडियोस पे, ब्यूटी पेजेंट्स पे और रैम पे भी बहुत सारा ध्यान देते हैं और टैलेंट की तलाश करते रहते हैं। तो आपको जहां भी मौका मिल जाए आप उसमें हिस्सा लीजिए। अगर आपको एक्टर बनना है तो जो भी मौका आपको मिले, टेलीविजन में, ब्यूटी पेजेंट्स में, रैम पे, म्यूजिक वीडियोज में, कहीं भी, आप उसे एक्सेप्ट करिए। ये आपके लिए आगे बढ़ने का एक सही तरीका होगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं कामयाब एक्टर, तो आपको कई बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक अच्छे एक्सप्रेसिव फेस के साथ साथ आपको फिल्मों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, यानी कागज के फूल और प्यासा और मदर इंडिया से लेकर चलती का नाम गाड़ी और गाइड और गंगा जमुना और जाने भी तो यारो जैसी फिल्मों के बारे में भी पता होना चाहिए। यानी बेसिकली आपको फिल्मों के बारे में, फिल्म मेकर्स के बारे में, फिल्म डायरेक्टर्स के बारे में, एक्टर्स और उनके स्टाइल्स के बारे में और म्यूजिक के बारे में काफ़ी कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि फिल्म एजुकेशन आपको एक पर्सपेक्टिव देता है। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ आप कैमरा फ्रेंडली हों। जैसे ही कैमरा शुरू हो जाए तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं और अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकें, कंफर्टेबली निभा सकें। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाती है, डायलॉग्स से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस करती है, तो उसका भी ख्याल रखिए। टैलेंट होना चाहिए, लेकिन यूं माना जाता है कि 10% टैलेंट, 10% हार्डवर्क और 80% लक होता है। और इन बातों के अलावा आप बहुत सारा काम चाहते हैं, प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करना चाहते हैं, डायरेक्टर्स को अप्रोच करना चाहते हैं, टेलीविजन फिल्म, आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना लीजिए। किसी अच्छे फोटोग्राफर से अपनी बहुत सारी तस्वीरें निकाल लीजिए जो आपको बेहतरीन ढंग से पेश करें।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात में परफेक्शन दिखाने की कोशिश करें या अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करें। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उभर कर आनी चाहिए। आपके चेहरे की खासियत, आपके चेहरे का कैरेक्टर, आपकी ओवरऑल खूबियां पर्सनैलिटी की, यहाँ तक कि खामियां तक आपके इस पोर्टफोलियो में नजर आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स को भी एक आइडिया आ जाता है कि आप किस तरह की किरदार निभा पाएंगे। इन सारी बातों का ख्याल रखिए, इन पे सोचिए, इन पे काम करिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक कामयाब एक्टर बनने के लिए आपको और भी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लास्की की किताबें पढ़ें। दुनिया भर में जहां भी एक्टिंग का सवाल आता है, तब स्टैनिस्लास्की मेथड ऑफ एक्टिंग की बात जरूर होती है। स्टैनिस्लास्की ने रशियन लैंग्वेज में किताबें लिखी। ये तीन किताबें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप जरूर पढ़ें। ये किताबें मराठी और हिंदी में भी शायद अवेलेबल हैं। ये हैं स्टैनिस्लास्की मेथड ऑफ एक्टिंग के बारे में। कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लास्की ने तीन किताबें लिखी हैं, एन एक्टर प्रिपेयर्स, बिल्डिंग अ कैरेक्टर, और तीसरी किताब है क्रिएटिंग अ रोल। ये बहुत ही जानी मानी किताबें हैं और दुनिया भर में एक्टर्स इन किताबों को पढ़ते हैं। आपकी एक्टिंग स्टाइल कोई भी हो, लेकिन आप स्टैनिस्लास्की मेथड ऑफ एक्टिंग जरूर जरूर समझ लें। खुद स्टैनिस्लास्की ने अपनी किताब एन एक्टर प्रिपेयर्स में लिखा है कि उन्होंने जो कुछ अपनी किताबों में लिखा है वो कोई इन्वेंशन या खोज नहीं है। और स्टैनिस्लास्की खुद मानते हैं कि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, जीनियसेस हैं, जो बिना इस तरह की स्टडी किए हुए भी बेहतरीन एक्टिंग करते हैं और बेहतरीन इमोशंस और एक्सप्रेशंस के साथ अपने किरदार को निभाते हैं। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं और उनको इन किताबों से बहुत सारा फायदा होगा और शायद इंस्पिरेशन भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये किताबें आप जरूर पढ़िए अगर आप एक्टिंग में बहुत गहराई तक जाना चाहते हैं और बहुत सारी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बात हो रही है एक्टिंग की एज अ प्रोफेशन। अगर आप एक सफल अभिनेता, एक कामयाब एक्टर बनना चाहते हैं तो कई बातों का आपको ख्याल रखना होगा। एक बात जो सबसे बड़ी अहमियत रखती है वो है डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। राजेश खन्ना 10-12 साल तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप स्टार, टॉप सुपरस्टार बने रहे, आराधना से लेकर कई फिल्मों तक। और उसके बाद अमिताभ बच्चन आए और जंजीर, दीवार और शोले से लेकर फिर कई फिल्मों तक वो भी सुपरस्टार बन गए। आजकल उनको मेगा स्टार कहा जाता है। राजेश खन्ना सुपरस्टार तो बन गए, लेकिन वो अपने सुपरस्टारडम को टिका नहीं पाए। उसकी वजह थी वो डिसिप्लिन्ड नहीं थे, वो टाइम की कदर नहीं करते थे। प्रोड्यूसर्स उनको बर्दाश्त कर लेते क्योंकि वो सुपरस्टार थे, और जब आपकी फिल्में बिकती हैं तो प्रोड्यूसर आपकी हर चीज, हर सही और गलत बात बर्दाश्त कर लेते हैं। इसी सिक्के का दूसरा पहलू अमिताभ बच्चन, उन्हें भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन जंजीर के बाद वो सुपरस्टार बन गए और बनते ही गए और आज तक बने रहे, क्योंकि उनमें एक्टिंग टैलेंट वो सब कुछ है, वो आप सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनमें सबसे बड़ी खूबी है डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी। अगर उनको सेट पे 20 मिनट भी लेट आना हो तो वो प्रोड्यूसर को इन्फॉर्म कर देते हैं, अपने कमिटमेंट पूरी ईमानदारी के साथ निभा लेते हैं। इस वजह से वो आज भी टॉप पे हैं। इससे पहले देवानंद थे। कई लोग सोचते हैं कि देवानंद की उम्र है 86 ईयर्स और फिर भी फिल्में बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं और इतने अरसे से कैसे टिके हुए हैं। उन्हें कहा जाता है सदाबहार हीरो, द एवरग्रीन हीरो। उसकी वजह सिंपल है दोस्तों, टैलेंट तो सभी के पास होता है, उनका तो अपना एक अलग अंदाज भी है और उन्होंने बहुत सारी बुलंद फिल्में भी बनाई हैं, जैसे गाइड, जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थीफ वगैरह। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो है डिसिप्लिन और टाइम की कदर। वो हमेशा सेट पे आए, शूटिंग की चले गए, उन्होंने कभी दखल अंदाजी नहीं की।
टैलेंट और मेहनत के अलावा, स्मार्ट वर्क के अलावा, ये जरूरी है कि आप डिसिप्लिन्ड हों ताकि आप अपने काम में बुलंद रहें और हमेशा वो काम करते रहें और आपकी इज्जत भी बनी रहे और आप टॉप पे भी बने रहें। दोस्तों, जब आप एक्टिंग करें तो दिल से करिए, सच्चाई से करिए, ईमानदारी से करिए, पूरे कमिटमेंट के साथ करिए और हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।